यूट्यूबर चैनल लाइव टूर्स, मैं हूँ मोनी और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ मैसूर सिटी, जो कि बहुत खूबसूरत है और कर्नाटका के अंदर पड़ती है। ख़ास बात यह है इस सिटी की कि यहाँ पे आप किसी भी सीज़न जा सकते हैं, यहाँ का मौसम नॉर्मल होता है। तो आज मैं यहाँ पे आपको 10 टॉप प्लेसेस पे घुमाने वाली हूँ, डिस्क्राइब करने वाली हूँ उन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैसूर पैलेस की। मैसूर पैलेस को अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पैलेस है, भारत के सबसे बड़े महलों में शामिल है। कांच से बनी छत, राजशासन गुंबदों पर हिंदुओं, राजपूतों, मुगलों, गौतिक शैलियों के मिश्रण से बना ये महल खास है। रात में इसे 1,00,000 कलरफुल लाइटों से सजाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कृष्णा राजा सागर डैम की। कृष्णा राजा सागर डैम को KRS बांध यानी KRS डैम के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1932 में कावेरी नदी पर किया गया है। KRS बांध के ठीक नीचे वृंदावन गार्डन स्थित है। KRS डैम के एक किनारे पर आपको म्यूजिकल फाउंटेन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत खूबसूरत है, रात में और भी खूबसूरत लगता है। चलिए अब बात करते हैं वृंदावन गार्डन की। वृंदावन गार्डन को पहले कृष्ण राजेंद्र टेरेस गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। ये गार्डन ठीक कृष्ण सागर डैम के नीचे है। कश्मीर के शालीमार बाग की तर्ज पर बना वृंदावन गार्डन खूबसूरत फूलों, घास के मैदान, पेड़, तालाब और झरने से सजा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ आप बने तालाब में बोटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ होने वाले म्यूजिकल और डांसिंग फाउंटेन का भी मज़ा ले सकते हैं। रात में ये फाउंटेन्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेंट फिलोमिना चर्च की। सेंट फिलोमिना चर्च को सेंट जोसेफ चर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये चर्च देखने में बिल्कुल न्यूयॉर्क के सेंट पैट्रिक चर्च जैसा दिखता है। ये भारत के सबसे बड़े चर्च में से एक है। फ्रेंड्स, यहाँ आप ज़रूर जाएं। सेंट फिलोमिना चर्च के भूमिगत कमरे में तीसरी शताब्दी के अवशेष को भी सुरक्षित रखा गया है। चलिए बात करते हैं चामुंडेश्वरी टेंपल की। चामुंडेश्वरी टेंपल को 11वीं शताब्दी में बनाया गया। चामुंडी पहाड़ी की चोटी पर बना देवी पार्वती के एक अवतार चामुंडेश्वरी को समर्पित चामुंडेश्वरी मंदिर है। चामुंडी पहाड़ी से आप शहर के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जगन मोहन पैलेस की। जगन मोहन पैलेस मैसूर की सबसे पुरानी इमारत में शामिल है। ये महल 3 मंजिल में बना हुआ है। इस महल का इस्तेमाल उत्सव, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। आज इस महल का उपयोग दशहरा के त्यौहार के दौरान किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं मैसूर जू की। फ्रेंड्स, मैसूर में आप जू भी जा सकते हैं। मैसूर जू भी बहुत फेमस है। मैसूर जू विश्व में सबसे पुराने जू में से एक है। यहाँ के बगीचों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। इस जू में करंजी लेक भी है और बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ बर्ड्स आती हैं। हर जू की तरह यहाँ भी सारे जानवर हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दरिया दौलत बाग महल की। दरिया दौलत बाग महल एक खूबसूरत बाग में बना हुआ है। दरिया दौलत बाग यानी समर पैलेस को बनाने में सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। टीपू सुल्तान ने कुछ समय तक यहाँ राज किया था। इस महल को बनाने में भारतीय और अरबी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। महल में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाइयों वाले चित्र देखे जा सकते हैं। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। चलिए अब बात करते हैं सैंड म्यूजियम की।
वैसे तो मैसूर में बहुत फेमस प्लेसेस हैं घूमने के लिए, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो ज़्यादा फेमस नहीं हैं पर अट्रैक्टिव और खूबसूरत हैं, जैसे सैंड म्यूज़ियम। कलाकार एम एन गौरी के द्वारा बनाई गई कई रेत की मूर्तियां स्थापित हैं यहाँ, जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। इस म्यूजियम की टिकट प्राइस भी बहुत चीप रेट पे मिलती है, आप लोग जरूर जाएं, यहाँ पे खूब एंजॉय करेंगे। तो लास्टली फ्रेंड, हम बात करते हैं ललिता महल पैलेस की। ललिता महल पैलेस मैसूर का दूसरा सबसे बड़ा महल है। इस महल को शाही कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये महल लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल की तर्ज पर बना है। आप यहाँ वायसराय के कमरे, क्रॉसिंग हॉल, भोजन आयोजित करने का कमरा और इटालियन मार्बल से बनी सीढ़ियां देख सकते हैं। इस महल के निर्माण में इंग्लिश और इटालियन शैली के साथ साथ पुनर्जागरण काल की वास्तुशिल्प देखने को मिलती है। होटल में प्राचीन चित्रकारी भी देखी जा सकती है। वर्तमान में इस महल को भारत सरकार ने एक 5 सितारा होटल में बदल दिया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मैसूर? कैसी लगी यहाँ की टॉप 10 प्लेसेस और कैसा लगा हमारा चैनल, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। हम नई नई अच्छी अच्छी प्लेसेस की वीडियो ज़रूर बनाते रहेंगे और आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।